जिनको भी महाभारत या स्टोरी में इंटरेस्ट है ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल पर दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने बात किए थे राजा विराट के पुत्र उत्तर का कौरव सेना से युद्ध करने के लिए जाना, क्योंकि कौरव सेना ने हमला कर दिया था, गौ को हरण किया था, ठीक है। और सेनाओं के बीच में पहुंचकर उत्तर का डर लगना और भाग जाना, फिर अर्जुन का युद्ध करने के लिए मजबूर होकर फैसला लेना क्योंकि उत्तर भाग रहा था। तो वो पिछला वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, या फिर अगर आप महाभारत को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, पूरी तरह से समझ में आएगा। भीष्म पंची कहते हैं जन्मेजय उत्तर को समय वृक्ष के पास लेके गए और अस्त्र शस्त्र को उतारने के लिए कहा। फिर कहते हैं जन्मेजय उस समय वृक्ष के समीप पहुँच कर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को सुकुमार तथा युद्ध की कला में पूर्णतया कुशल न जानकर उससे कहा, उत्तर मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर वहाँ रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे। क्योंकि साधारण मेटल के बने हुए धनुष अर्जुन अगर खींचेंगे तो टूट जाएंगे, क्योंकि अर्जुन पतंचा को बड़ी जोर से खींचता था। कोई भारी कार्यभार नहीं उठा सकेंगे अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में भी ये काम नहीं देंगे। तो दोस्तों गांडीव जो धनुष था उसमें सिर्फ एक ही खास बात था कि वो मजबूत था, उसमें सिर्फ पतंचा अर्जुन और भीम कृष्ण ही चढ़ा सकते थे, और जो जितना मजबूत होता है उतना भारी भी होता है, और कोई खास बात नहीं था गांडीव धनुष में, तो इसीलिए गांडीव धनुष लेने के लिए आए हैं। तो इतना ही नहीं, यहाँ शत्रुओं पर विजय पाने के लिए युद्ध करते समय ये मेरे बाहुवृक्ष को भी नहीं संभाल सकेंगे, ये साधारण धनुष। शत्रुओं का संताप देने वाले महाबाहु उत्तर, तुम्हारे ये सभी अस्त्र शस्त्र अत्यंत सूक्ष्म, छोटे और कोमल हैं, इनके द्वारा यहाँ विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता। इसलिए भूमिंजय पत्तों से सुशोभित इस समी वृक्ष पर शीघ्र चढ़ जाओ। इस पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव, इन सब पांडवों के धनुष रखे हुए हैं, उन सूरवीरों के ध्वज, बाण और दिव्य कवच भी यही है। यही अर्जुन का वो महान शक्तिशाली गांडीव धनुष भी है जो अकेला ही लाख धनुषों के समान है, मतलब उतने ही समान भारी है। ये राष्ट्र की वृद्धि करने वाला, परिश्रम को सहन में समर्थ, ताड़ के समान अत्यंत विशाल है। संपूर्ण आयुधों में ये सबसे बड़ा है और शत्रुओं को विशेष पीड़ा देने वाला है। तो दोस्तों अर्जुन जब वरुण देवता से गांडीव धनुष को मांगते हैं, क्यों मांगते हैं और गांडीव धनुष में क्या खास बात है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, खांडव वन जलाने के बाद का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सोने को गलाकर बनाया हुआ दिव्य, सुंदर, विस्तृत और व्रण रहित नित्य नूतन है। ये भारी से भारी भार बहन करने में समर्थ, भयंकर और देखने में मनोहर है। ऐसे ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव के भी सब धनुष प्रबल और सुदृढ़ है। उसके बाद उत्तर का अर्जुन के आदेश के अनुसार समय वृक्ष से पांडवों के दिव्य धनुष आदि उतारना। उत्तर बोला, मैंने तो सुन रखा था कि इस वृक्ष में कोई लाश बंधी है, ऐसी दशा में मैं राजकुमार होकर अपने हाथ से उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूँ। एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे महान राजकुमार तथा तीसरे मंत्रों और यज्ञ का गाता एवं सत्पुरुष हूँ, अतः मुझे ऐसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना उचित नहीं है। ब्रियनले, यदि मैं सबका स्पर्श कर लूँ तो मुर्दा ढोने वाली भांति अपवित्र हो जाऊँगा, फिर तुम मुझे व्यवहार में लाने योग्य शुद्ध कैसे कर सकोगे। ब्रियनला ने कहा, राजेंद्र, तुम इन आयुधों को छूकर भी व्यवहार में लाने योग्य और पवित्र ही रहोगे, डरो मत, ये केवल धनुष है, इनमें कोई सब नहीं है। राजकुमार, तुम मनुष्य भी पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न और मत्स्य नरेश के पुत्र हो, भला मैं तुमसे कोई निंदित कर्म कैसे करवा सकता हूँ। विषम कहते हैं जन्मेजय अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडलधारी विराट पुत्र उत्तर विवश हो रथ से कूदकर समय वृक्ष पर चढ़ गया। तब रथ पर बैठे हुए शत्रुनाशक पिता पुत्र धनंजय ने शासन के स्वर में कहा, इन धनुषों को जल्दी वृक्ष से नीचे उतारो और इन सब का पत्रमय चेष्टन भी शीघ्र हटा दो।
तब उत्तर ने विशाल बक्षस्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुषों को वृक्ष से नीचे ले आकर उन पर सब पत्तों के चेष्टन लगे थे उन्हें खोलकर हटाया। फिर उन धनुषों और उनकी डोरियों को सब ओर से खोलकर अर्जुन के पास ले आया। उसमें अन्य चार धनुषों के साथ रखे हुए गांडीव धनुष को उत्तर ने देखा। चेष्टन खोलने पर उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों की प्रभा चारों ओर फैल गई, जैसे उदय होने पर ग्रहों का दिव्य प्रकाश सब ओर छा जाता है। जम्भाल लेने के लिए मुंह खोले हुए विशाल सर्पों की भांति उन धनुषों का रूप देखकर उत्तर के शरीर में रोमांच हो आया और वह क्षण भर में भय से उद्दिक्त हो गया। राजन तदंतर उन प्रभावपूर्ण विशाल धनुषों का स्पर्श करके विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। उत्तर का बृहन्नला से पांडवों के अस्त्र शस्त्र के विषय में प्रश्न करना। उत्तर ने पूछा, बृहन्नले, जिस पर सोने की 100 फुलियाँ जड़ी है, जिसके दोनों शीरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, ये उत्तम धनुष किसका है, किस वीर का है? जिसकी पीठ पर सोने के प्रकाशमान हाथी सुशोभित हो रहे हैं तथा जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर और मध्यभाग बहुत ही उत्तम है, ये श्रेष्ठ धनुष किसका है? जिसके पृष्ठभाग में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए जिसके पृष्ठभाग में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए लाल पीले रंग वाले 60 इंद्रगोप बिरुभूति नामक कीट पृथक पृथक शोभा पा रहे हैं, ये उत्तम धनुष किसका है? जिसमें परस्पर सटे हुए 3 सुवर्णमय सूर्य चिन्ह प्रकाशित हो रहे हैं, जो तेज से मानो प्रज्वलित है, ये उत्तम धनुष किसका है? जिस पर तप्त सुवर्णभूषित मीने के फतिंगे शोभा पा रहे हैं तथा जो उत्तम वर्ण की मणियों से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देता है, ये उत्तम धनुष किसका है? ये जो सोने के तरकस में शस्त्र नाराज रखे हुए हैं, जिनके सब और विशेषतः अग्रभाग में सोने का पानी चढ़ा है और जो सबके सब पंख वाले हैं, ये किसके उपयोग में आते हैं? ये मोटे मोटे विपाट स्थूल दंड वाले बाण विशेष किसके हैं? इनमें गिद्ध की पंखे लगी हुई है, इन बाणों को परस्पर रगड़कर तेज किया गया है, इनके रंग हल्दी के समान हैं और अग्रभाग बहुत ही सुंदर है, कारीगर ने इन पर भी खूब पानी चढ़ाया है, ये सबके सब लोहे के ही बाण हैं, अर्थात इनमें नीचे काट का डंडा नहीं लगा है। जिस पर 5 सिंह के चिन्ह हैं, ऐसा ये काले रंग का धनुष किसका है? ये तो सूअर के कान के समान नोक वाले 10 बाणों को एक साथ धारण कर सकते हैं। ये जो शत्रु का रक्त पीने वाले मोटे विशाल तथा अर्धचंद्र का दिखाई देने वाले 700 नाराज रखे हुए हैं, ये किसके हैं? जिनके पूर्वार्ध भाग तोते की पंख के समान रंग वाले और उत्तरार्ध भाग सुवर्णमय पंख से युक्त और पीले हैं, जो पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए और लोहे के बने हैं, ऐसे ये सुंदर पंख वाले बाण किसके हैं? जिसके पृष्ठभाग में मेढकी का चित्र है और जिसका मुख भाग की मेढकी के सम्मुख सा बना हुआ है, ऐसे ये भारी भार सहन करने में समर्थ दिव्य और शत्रु मंडली के लिए भयंकर विशाल खड़क किसका है? जो बाघ के चमड़े की बनी हुई म्यान के भीतर रखा गया है, जो सुवर्ण चित्रित और शत्रुओं के लिए असज्य है, जिसका अग्रभाग भी बहुत ही सुंदर है, जिसकी स्थान म्यान पर चित्रकारी की गई है, जो घुंघरूदार और विशाल है, वो सोने की मोट वाला दिव्य एवं अत्यंत निर्मल खड़क किसका है? जिसे गोचर्म की म्यान में रखा गया है, जो निसक देश का बना हुआ है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो भारी भार सह सकता है, वो सोने की मोट वाला विमल खड़क किसका है? जिसे बकरे के चमड़े की बने हुई म्यान में रखा गया है, जो सोने की मूर्त से युक्त और सुवर्णभूषित स्वरूप वाली वो उचित लंबाई चौड़ाई और आकृति वाली आकाश के समान नेजलोच्चल और पानीदार तलवार किसकी है? जो अग्नि के समान प्रकाशमान एवं आग में तपाए हुए शुद्ध सुवर्ण की बने हुए म्यान से सुरक्षित भारी पानीदार और 30 अंगुल से बड़ा है, जो स्वर्ण बिंदुओं से विभूषित तथा काले रंग का है, जिसे शत्रु काट नहीं सकते, जिसका स्पर्श सर्प के समान है, जो शत्रु के शरीर को चीर डालने वाला भारी भार सहन करने में समर्थ दिव्य एवं शत्रु के लिए भयदायक है, वो खड़क किसका है? बृहन्नले, मैंने जो पूछा है उसे ठीक ठीक बताओ, ये सब महान अस्त्र शस्त्र देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
ब्रियनला द्वारा उत्तर को पांडवों के अयोध्या का परिचय कराना। ब्रियनला बोली, राजकुमार तुमने पहले जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वही ये अर्जुन का विश्व विख्यात गांडीव धनुष है जो शत्रु की सेना के लिए काल रूप है। ये सब आयुधों से विशाल है, इसमें सब और सोना मड़ा है। यही उत्तम आयुध गांडीव अर्जुन के पास रहा करता था। ये अकेला ही 1,00,000 धनुषों की बराबरी करने वाला तथा अपने राष्ट्र को बढ़ाने वाला है। प्रथा पुत्र अर्जुन इसी के द्वारा युद्ध में मनुष्य तथा देवताओं पर विजय पाते आ रहे हैं। हल्के गहरे अनेक प्रकार के रंगों से इसकी विचित्र शोभा होती है। यह चिकना चमकदार और विस्तृत है। इसमें कहीं कोई चोट का चिन्ह नहीं आया है। देवताओं दानवों तथा गंधर्वों ने इसका बहुत वर्षों तक पूजन किया है। पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने इसे 1,000 वर्षों तक धारण किया था। मतलब गांडीव धनुष को, गांडीव धनुष का ही बात कर रहे हैं अर्जुन। तदंतर प्रजापति ने 503 वर्षों तक इसे अपने पास रखा। फिर इंद्र ने 85 वर्षों तक रखा। इंद्र का पाद सोम ने 500 तथा राजा वरुण ने 100 वर्षों तक इसे धारण किया। तत्पश्चात श्वेतवाहन अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों अर्जुन का उम्र 65 वर्ष है इस समय। ये सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है। इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुन को ये महादिव्य धनुष साक्षात वरुण देव से प्राप्त हुआ था। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कैसे दिया गया था। तथा दूसरे देवताओं और मनुष्यों में पूजित उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले धनुष भीमसेन का है जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर हैं और मध्य भाग में सोना मढ़ा हुआ है। ये वही धनुष है जिससे शत्रु को संताप देने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा पर विजय पाई थी दिग्विजय यात्रा में। भीम का उत्तर जिसके ऊपर इंद्रगो वीर बहुटी नामक कोटि का चित्र है और जो देखने में मनोहर है वही यह उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिर का है जिसमें सुवर्ण के बने हुए प्रकाश पूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और जो तेज से जाज्वल्यमान जाल पड़ते हैं वही यह नकुल का आयुध है जिसके ऊपर सुवर्ण जटित मीने के फतिंगे सुशोभित हैं। वही यह माद्रीनंदन सहदेव का धनुष है। विराट पुत्र ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण हैं जिनमें पंखे लगे हुए हैं और जो सांपों के विष के समान प्रभाव रखते हैं ये सब अर्जुन के ही हैं। ये युद्ध में तेज से प्रकाशित होकर बड़ी तेज से शत्रु पर आघात करते हैं। रण में शत्रु पर बाण वर्षा करने वाले वीर के लिए भी इन बाणों को काटना असंभव है। ये जो मोटे विशाल और अर्धचंद्र का दिखाई देते हैं वे भीमसेन के तीखे बाण हैं जो शत्रु का संहार कर डालते हैं। ये हल्दी के समान रंग वाले और सुनहरी पंखों से सुशोभित हैं। इन्हें पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है जिस पर 5 सिंहों के चिन्ह हैं वही ये नकुल का कलाप तरकस है जिससे उन्होंने युद्ध में संपूर्ण पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी नकुल की दिग्विजय यात्रा में। ठीक है, ये सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ जो अर्जुन कह रहे हैं। उस समय बुद्धिमान माद्रीपुत्र नकुल के पास यही कलाप था और ये जो सूर्य के समान आकृति वाले चमकीले बाण हैं इनके द्वारा संपूर्ण शत्रु समूह का विनाश होता है। विचित्र क्रिया शक्ति से संपूर्ण ये सभी बाण बुद्धिमान सहदेव के हैं। ये जो तीखे पानीदार मोटे और बड़ी बड़ी पंखों वाले 3 पर्वों के बाण हैं और जिनकी पंखें सोने की बनी हुई है ये सब राजा युधिष्ठिर के महान सर हैं जिसके पृष्ठभाग में मेढ़की का चित्र है और जिसका मुख भाग भी मेढ़की के मुख के समान ही बना हुआ है। ये विशाल खड़ग अर्जुन का है। ये युद्ध भूमि में भारी आघात को सह सकने में समर्थ और मजबूत है जिसके म्यान व्याघ्र चर्म की बनी हुई है और वो महान खड़ग भीमसेन का है। ये भी गुरुतर भार सहन करने वाले दिव्य एवं शत्रुओं के लिए भयंकर है जिसकी धार सुंदर और पतली है जिसके म्यान विचित्र और मूठ सोने की है। वो 30 अंगुल से बड़ा सर्वोत्तम खड़क परम बुद्धिमान कुरुनंदन धर्मराज का है जो बकरे के चमड़े की बनी हुई म्यान में बंद है तथा नाना प्रकार के युद्ध में शस्त्रों का भारी आघात सहन करने में समर्थ और मजबूत है। वही ये नकुल का खड़ग है और ये जो गोचर्म की म्यान रखा गया है ये सहदेव का विशाल खड़ग है। इसे सब प्रकार से आघात प्रत्याघात सहन करने में समर्थ और सुदृढ़ जानो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अर्जुन का उत्तर कुमार से अपना और अपने भाइयों का यथार्थ परिचय देना।
इसमें अर्जुन अपने नामों के विशेषता के बारे में बताएंगे। उत्तर ने पूछा, बृहन्नले, रण में फुर्ती दिखाने वाले जिन महात्मा कुंती पुत्र के ये सुवर्णभूषित सुंदर आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे पृथा पुत्र अर्जुन, कुरुनंदन युधिष्ठिर नकुल, सहदेव और पांडुपुत्र भीमसेन अब कहाँ हैं? संपूर्ण शत्रु का नाश करने वाले वे सभी महात्मा जुए द्वारा अपना राज्य हार कर कहाँ गए, जिससे कहीं किसी प्रकार भी उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आता? पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी स्त्री रत्न के रूप में विख्यात है, वो कहाँ है? सुना है जब पांडव जुए में हार गए तब द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उन्हीं के साथ वन में चली गई थी। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, मैं ही पृथा पुत्र अर्जुन हूँ। राजा की सभा में माननीय सदस्य कंक ही युधिष्ठिर हैं, बल्लभ भीमसेन हैं, जो तुम्हारे पिता के भोजनालय में रसोईया का काम करते हैं, अश्वों की देखभाल करने वाला ग्रंथिक नकुल है, और गौशाला के अध्यक्ष तंतीपाल सहदेव। सैरिंद्री को ही द्रौपदी जानो, जिसके कारण सभी कीचक मारे गए हैं। उत्तर बोला, मैंने पहले से जो अर्जुन के 10 नाम सुन रखे हैं उन्हें यदि तुम बता दो तो मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, विराट पुत्र, मेरे जो 10 नाम हैं और जिन्हें तुमने पहले से ही सुन रखा है उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। एकाग्रचित हो, सावधानी के साथ सबको सुनना। वे नाम हैं अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, विभुत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। तो अर्जुन के एक नाम कृष्ण भी है। उत्तर ने पूछा, जिस कारण से आपको ये नाम विजय हुआ और किस लिए आप श्वेतवाहन कहलाते हैं, आपके किरीट नामक नाम धारण करने का क्या कारण है, और आप सव्यसाची नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए? इसी प्रकार आपके अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, कृष्ण, विभुत्सु और धनंजय नाम पढ़ने का भी क्या कारण है, ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। वीर अर्जुन के विभिन्न नाम पढ़ने के जो प्रधान हेतु हैं वे सब मैंने सुन रखे हैं, उन सबको यदि आप बता देंगे तो आपकी सब बातों पर मेरा विश्वास हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं संपूर्ण देशों को जीत कर और उनसे कर रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था, इसलिए लोग मुझे धनंजय कहते हैं। जब मैं संग्राम भूमि में रणोत्पन्न योद्धाओं का सामना करने के लिए जाता हूँ तब उन्हें परास्त किए बिना कभी नहीं लौटता, इसलिए वीर पुरुष मुझे विजय के नाम से जानते हैं, मतलब अजय हैं। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ में सोने के बख्तर से सजे हुए श्वेत रंग के घोड़े जोते जाते हैं, इसलिए मेरा नाम श्वेत वाहन हुआ, तथा हिमालय के शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे फाल्गुन कहते हैं। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला किरीट रख दिया था, इसलिए मुझे किरीटी कहते हैं। युद्ध करते समय मैं किसी प्रकार भी विभत्स या घृणित कर्म नहीं करता जो करने योग्य ना हो, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में मेरी विभत्स नाम से प्रसिद्धि हुई है। मेरा बायां और दाहिना दोनों हाथ गांडीव धनुष डोरी खींचने में समर्थ हैं, इसलिए देवता और मनुष्यों में लोग मुझे सव्यसाची समझते हैं। अर्जुन शब्द के 3 अर्थ, वर्ण या दीप्ति, श्रीजुला या समता, गबल या शुद्ध, चारों ओर समुद्र पर्यत्न पृथ्वी पर मेरे जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ और शुद्ध कर्म करता हूँ, इसी कारण विज्ञ पुरुष मुझे अर्जुन के नाम से जानते हैं। मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है। मैं इंद्र का पुत्र और शत्रु दमन विजयी वीर हूँ, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में जिष्णु नाम से मेरी ख्याति हुई है। कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण और मन को आकर्षित करने वाला। मेरे शरीर का रंग कृष्ण गौर है, तथा बाल्यावस्था में चित्तकर्षक होने के कारण मैं पिताजी को बहुत प्रिय था, अतः मेरे पिता ने ही मेरा 10वां नाम कृष्ण रखा था। विष्णुपान जी कहते हैं, जन्मेजय। तदंतर विराट पुत्र उत्तर ने निकट निकट जाके अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम भूम्बिजय तथा उत्तर भी है। कुंती नंदन, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। धनंजय, आपका स्वागत है। महाबाहु, आपके नेत्र लाल हैं और बाहुदंडा गजराज के सुंड को लज्जित कर रहे हैं। मैंने अज्ञानवश आपसे जो अनुचित बात कह दी हो उसे आप क्षमा करेंगे। पूर्वकाल में आपने अत्यंत दुष्कर और अद्भुत कार्य किया है, इसीलिए आपका संरक्षण पाकर मेरा भय दूर हो गया है और आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। पार्थ, मैं आपका दास होऊंगा।
आप मेरी और कृपापूर्ण दृष्टि से देखिए, मैंने आपके सारथी का कार्य करने के लिए पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए अब मेरा मन स्वस्थ हो गया है। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ है जिससे मुझे आपकी सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अर्जुन द्वारा युद्ध की तैयारी, अस्त्र शस्त्र का स्मरण, उनसे वार्तालाप, उत्तर के भय का निवारण। उत्तर बोला, वीरवर, आप सुंदर रथ पर आड़ू हो, मुझ सारथी के साथ किस सेना की ओर चलेंगे? आप जहाँ चलने की आज्ञा देंगे वही मैं आपके साथ चलूँगा। अर्जुन ने कहा, पुरुष सिंह, अब तुम्हें कोई भय नहीं रहा ये जानकर मुझे प्रसन्नता है। रण कर्म में कुशल वीर, मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को अभी मार भगाता हूँ। महाबाहु, तुम निश्चित हो जाओ और इस संग्राम में मुझे शत्रुओं के साथ युद्ध तथा अत्यंत भयंकर पराक्रम करते देखो। मेरे इन सब तरकशों को शीघ्र रथ में बांधो और एक सुवर्णभूषित खड़ग भी ले आओ। विष्णुबन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह कथन सुनकर उत्तर उतावला हो अर्जुन के सब आयुधों को लेकर शीघ्रतापूर्वक वृक्ष से उतर आया। अर्जुन बोले, मैं कौरवों से युद्ध करूँगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लूँगा जो हरण कर लिए गए हैं कौरवों द्वारा। मुझसे सुरक्षित होकर रथ का ये ऊपरी भाग ही तुम्हारे लिए नगर हो जाएगा। इस रथ के जो धुरी पहिए आदि अंग हैं उनकी सुदृढ़ कल्पना ही नगर की गलियों के दोनों भागों में बने हुए गृह का विस्तार है। मेरी दोनों भुजाएं ही चार दीवारी और नगर द्वार हैं। इस रथ में जो त्रिदंड हरिश और उसके अगल बगल की लकड़ियां तथा तुनीर आदि हैं वे किसी को यहाँ तक फटकने नहीं देंगे। जैसे नगर में हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी इन त्रिविध सेनाओं तथा आयुधों के कारण उसके भीतर दूसरे का प्रवेश करना असंभव होता है, नगर में जैसे बहुत सी ध्वजाएं पताकाएं फहर जाती है उसी प्रकार इस रथ में भी फहरा रही है। धनुष की प्रत्यंचा ही नगर में लगी हुई तोप की नली है जिसका क्रोधपूर्वक उपयोग होता है और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट को ही नगर में बजने वाले नगारों का आवाज़ समझो। जब मैं युद्ध भूमि में गांडीव धनुष लेकर रथ पर सवार होऊंगा उस समय शत्रुओं की सेनाएं मुझे जीत नहीं सकेंगी। अतः विराट नंदन, तुम्हारा भय अब दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, अब मैं उनसे नहीं डरता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के समान स्थिर रहने वाले हैं। केवल इसी एक बात को सोचकर मैं ऐसे मोह में पड़ जाता हूँ कि बुद्धि अच्छी न होने के कारण किसी तरह भी किसी निश्चय तक नहीं पहुँच पाता। वो चिंता इस प्रकार है, आपका एक एक अवयव तथा रूप सब ओर से उपयुक्त है, आप लक्षणों द्वारा भी अलौकिक सूचित हो रहे हैं। ऐसी दशा में भी किस कर्म के परिणाम से आपको यह नपुंसकता प्राप्त हुई है? मैं तो नपुंसक वेश में विचरने वाले आपको शूलपानी भगवान शंकर का स्वरूप मानता हूँ अथवा गंधर्वराज के समान या साक्षात देवराज इंद्र समझता हूँ। अर्जुन बोले, महाबाहु, उर्वशी के साप से मुझे ये नपुंसक भाव प्राप्त हुआ है। पूर्वकाल में मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से देवलोक में गया था। वहाँ सुधर्म नामक सभा में मैंने उस समय उर्वशी अप्सरा को देखा। वो परम सुंदर रूप धारण करके वज्रधारी इंद्र के समीप नृत्य कर रही थी। मेरे वंश की मूल हेतु जननी होने के कारण मैं उसे अपलक नेत्रों से देखने लगा। तब वो रात में सोते समय रमण की इच्छा से मेरे पास आई, परंतु मैंने उसे प्रणाम करके उसकी इच्छा की पूर्ति ना करके उसका माता के समान सत्कार किया। तब उसने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र ने वो श्राप सुनकर मुझे कहा, पार्थ, तुम नपुंसक होने मत डरो, ये तुम्हारे लिए अज्ञातवास के समय उपकारक होगा। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मुझ पर अनुग्रह करके ये आश्वासन दिया और स्वर्ग लोक से यहाँ भेजा। अनक, वही यह व्रत प्राप्त हुआ था जिसको मैंने पूरा किया है। महाबाहु, मैं बड़े भाई की आज्ञा से इस वर्ष एक व्रत का पालन कर रहा था। उस व्रत की जो दिनचर्या है उसके अनुसार मैं नपुंसक बनकर रहा हूँ। मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूँ, वास्तव में मैं नपुंसक नहीं हूँ, भाई की आज्ञा के अधीन होकर धर्म के पालन में तत्पर रहा हूँ। राजकुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मेरा व्रत समाप्त हो गया है, अतः मैं नपुंसक भाव के कष्ट से भी मुक्त हो चुका हूँ। उत्तर ने कहा, नरश्रेष्ठ, आज मुझ पर आपने बड़ा अनुग्रह किया जो मुझे सब बात बता दी।
ऐसे लक्षणों वाले पुरुष नपुंसक नहीं होते, इस प्रकार जो मेरे मन में तर्क उठ रहा था वो व्यर्थ नहीं था। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है, अतः युद्ध भूमि में देवताओं का भी सामना कर सकता हूँ। मेरा सारा भय नष्ट हो गया, बताइए अब मैं क्या करूँ पुरुष प्रवर। मैंने गुरु से सारथ्य कर्म की शिक्षा प्राप्त की है, इसीलिए आपके घोड़ों को जो शत्रु के रथ का नाश करने वाले हैं मैं काबू में रखूँगा। नरपुंगव, जैसे भगवान वासुदेव का साथी दारुक और इंद्र का साथी मातली है, उसी प्रकार मुझे भी आप साथी के कार्य में पूर्ण शिक्षित मानिए। जो घोड़ा दाहिनी घोरी में जोता गया है और जिसके जाते समय लोग ये नहीं देख पाते कि उसने कब कहाँ पृथ्वी पर पैर रखा या उठाया है, ये भगवान कृष्ण के चार अश्व वैसे सुग्रीव नामक घोड़े के समान है। और भार ढोने वाले श्रेष्ठ जो ये सुंदर अश्व बाई धुरी का बहन करने वाला है, उसे बेग में मेघ पुष्प नामक अश्व के समान मानता हूँ। ये जो सोने के बख्तर से सजा हुआ सुंदर अश्व बाई और पिछला जुआ ढो रहा है, इसे बेग में मैं शिव्य नामक अश्व के समान अत्यंत बलवान मानता हूँ। और ये जो दाहिने भाग का पिछला जुआ धारण करके खड़ा है, वो बेग में बहालक नाम वाले अश्व से भी अधिक समझा गया है। ये रथ आप जैसे धनुधर वीर को ही सह बहन करने योग्य हैं, और मेरी राय में आप इसी रथ पर बैठकर युद्ध करने योग्य हैं। विषमपन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदंतर पराक्रमी अर्जुन ने हाथों से कड़े और चूड़ियाँ उतार दी और हथेली में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। फिर उन्होंने काले काले घुंघराले केशों को श्वेत वस्त्र में बांध दिया और पूर्व की ओर मुंह करके पवित्र और एकाग्रचित हो महाबाहु धनंजय ने उस श्रेष्ठ रथ पर संपूर्ण अस्त्रों का ध्यान किया। तब वे सब प्रकट होकर राजकुमार अर्जुन से हाथ जोड़कर बोले, पांडुनंदन, ये हम लोग तुम्हारे परम उद्धार किंकर हैं। तब अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथ से उनका स्पर्श किया और कहा, आप सब लोग मेरे मन में निवास करें। इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रों को अनुकूल करके अर्जुन का मुख बिंद प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने बड़े वेग से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार की। उस धनुष की टंकार के समय बड़े जोर का शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत को पर्वत से ही टक्कर लगी हो। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। जब द्रौपदी ने कहा था कि अर्जुन की धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने की शक्ति तीन ही पुरुष में है, अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो भयानक शब्द पृथ्वी को वितीर्ण सा करके गूंज उठा। संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड आंधी चलने लगी, महान उल्का पात होने लगा और दिशाओं में अंधकार छा गया। शत्रु सेना के ध्वज आकाश में अकारण हिलने लगी, बड़े बड़े वृक्ष भी हिलने लगे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से रथ पर बैठे बैठे जो अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार ध्वनि की, उसे सुनकर कौरवों ने समझा कहीं से बिजली टूट पड़ी हो। उस समय उत्तर बोला, पांडव श्रेष्ठ, आप तो अकेले हैं, इन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के पारगामी बहुसंख्यक महारथियों को युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? कुंती नंदन, आप असहाय हैं और कौरवों के साथ बहुत सारे सहायक हैं। महाबाहु, ये सोचकर मैं आपके सामने भयभीत हो रहा हूँ। ये एक चित्र है अर्जुन का विराट युद्ध के लिए जाना, उत्तर को सारथी बना के। ये सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वीर डरो मत, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, चित्रसेन के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखा या सहायक कौन था? जब देवताओं और दानवों से भरे हुए उस अत्यंत भयंकर खांडव वन में मैं युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा साथी कौन था? देवराज इंद्र के लिए महाबली निवात कवच, मतलब जिसकी संख्या 3 करोड़ थी, और पोलम दैत्य के साथ युद्ध करते समय मेरा सहायक कौन था? इन सभी के विषय में मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में वह मुझे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था, उस समय मेरी सहायक कौन था? मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और पिनाकपाणि भगवान शंकर, इन सब का आश्रय पा चुका हूँ, फिर भला इन महारथियों से युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा? शीघ्र मेरा रथ हाँको, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उत्तर के रथ पर अर्जुन को ध्वजा की प्राप्ति, अर्जुन का
शंखनाद और द्रोणाचार्य का कौरवों के उत्पाद सूचक अपशुकनों का वर्णन। विषमपन जी कहते हैं, जन्मेजय उत्तर को सारथी बना समय वृक्ष की परिक्रमा करके अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध के लिए चले। उन महारथी पार्थ ने उस रथ से सिंह चिन्ह युक्त ध्वजा को हटाकर समय वृक्ष के नीचे रख दिया और सारथी उत्तर के साथ प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने मन ही मन अग्निदेव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए अपने सुवर्णमय ध्वज का चिंतन किया, जिस पर मूर्तिमान वानर उपलक्ष्य होता है और जिसकी लंबी पूंछ सिंह के समान है। वह ध्वज क्या था? विश्वकर्मा की बनाई हुई देवी माया थी जो रथ में संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेव ने अर्जुन का मनोभव जानकर उस ध्वज पर स्थित रहने के लिए भूतों को आदेश दिया। तत्पश्चात पताका तथा विचित्र अंग और उपांग सहित वो अतिशय शक्तिशाली दिव्य रूप मनोरम ध्वज तुरंत ही आकाश से अर्जुन के रथ पर आ गिरा। इस प्रकार उस ध्वज को रथ पर आया हुआ देख श्वेत घोड़े वाले कुंती नंदन अर्जुन ने उस रथ की परिक्रमा की तथा उसके ऊपर बैठकर अपनी अंगुलियों में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने धारण किए। फिर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उपलक्षित ध्वज को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। मतलब हनुमान जी नहीं, हनुमान जी ध्वजा एक ध्वज में अंकित थी चित्र उसका, उस ध्वजा को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा की ओर चले। उस समय शत्रुमर्दन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया, जिसकी आवाज़ सुनकर शत्रु के रोंगटे खड़े हो गए। शत्रुदमन अर्जुन ने जो महान शंख फूका था वह चंद्रमा के समान परम उज्ज्वल जान पड़ता था। उस शंख का जोर जोर से होने वाला शब्द वर्षाकाल के मेघ की गर्जना के समान सुनाई देता था। शंख की ध्वनि, धनुष की टंकार, वानर की गर्जना तथा रथ के पहियों के गड़गड़ाहट से इंद्रपुत्र अर्जुन ने समस्त जंगम प्राणियों के मन में घोर भय का संचार कर दिया। उस जंग ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में जहाँ रथी का स्थान था आ बैठा। तब कुंतीनंदन अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों का खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, शत्रु को संताप देने वाले राजकुमार शिरोमणि, डरो मत, तुम क्षत्रिय हो, पुरुष सिंह शत्रुओं के बीच में आकर घबराते कैसे हो? तुमने बहुत बार शब्द ध्वनि सुनी होगी, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े होंगे और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिंगारने वाले गजराज के शब्द भी तुमने सुने ही होंगे। फिर यहाँ इस संगनाद में तुम भयभीत कैसे हो गए? साधारण मनुष्य के समान अधिक डर जाने के कारण तुम्हारे शरीर का रंग फीका कैसे पड़ गया? उत्तर ने कहा, वीरवर, इसमें संदेह नहीं कि मैंने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी है, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार मेरे कानों में पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिंगारने वाले गजराज के शब्द भी मैंने सुने हैं, परंतु आज से पहले कभी ऐसे भयंकर शब्दनाद मेरे सुनने में नहीं आया था और ध्वज का भी ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। धनुष की ऐसी टंकार भी पहले कभी मैंने सुनी नहीं थी। इस संघ के भयानक शब्द से, धनुष की अनुपम टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले मानवेतर प्राणियों के घोर शब्द से तथा रथ की भारी गड़गड़ाहट से भी डरकर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो उठा है। संपूर्ण दिशाओं में घबराहट छा गई है। मेरे हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है। इस ध्वज ने तो समस्त दिशाओं को ढक लिया है, अतः मुझे किसी दिशा की प्रतीति नहीं हो रही है। गांडीव धनुष की टंकार से तो मेरे दोनों कान बहरे हो गए हैं। इस प्रकार दो घड़ी तक आगे बढ़ने पर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, अर्जुन बोले, राजकुमार, अब तुम रथ पर अच्छी तरह जमकर बैठ जाओ और अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो, साथ ही घोड़ों की रास को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखो, मैं फिर शंख बजाऊंगा। विष्णुपन जी कहते, जन्मेजय, तब अर्जुन ने इतने जोर से शंख बजाया मानो पर्वतों, पर्वतीय गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी वितीर्ण कर डालेंगे। उत्तर इस बार भी रथ के भीतरी भाग में छिपकर बैठ गया। उस शंख के शब्द से रथ ने मियों की गड़गड़ाहट से
तथा गांडीव धनुष की टंका से धरती कांप उठी। तदंतर अर्जुन ने उत्तर को पुनः धीरज बंधाया। ये शंख ध्वनि सुनकर कौरव सेना में द्रोणाचार्य ने कहा, जैसी ये रथ की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जिस तरह उसमें मेघ गर्जना का शब्द हो रहा है और उसी के कारण जिस प्रकार ये पृथ्वी कांपने लगी है, इनसे ये सूचित होता है कि ये आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों, अर्जुन का आज्ञातवास समाप्त हो चुका है, क्योंकि इंद्र ने कहा था उर्वशी का साप तुम्हारे अज्ञातवास के साथ ही समाप्त होगा। अब हमारे शस्त्र चमक नहीं रहे हैं, घोड़े प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्र की अग्नियाँ भी प्रज्वलित एवं उद्दीप्त नहीं हो रही है। ये सब अशुभ की सूचना है। हमारे सभी पशु सूर्य की ओर दृष्टि करके भयंकर क्रंदन करते हैं और रथों की ध्वजाओं में कौवे छिप रहे हैं, ये भी शुभ सूचक नहीं है। ये पक्षी भी हमारे वाम भाग में उड़कर महान भय की सूचना दे रहे हैं और ये गिदड़ बिना किसी आघात के हमारी सेना के बीच में निकलकर रोता हुआ भाग रहा है, ये भी महान भय का विज्ञापन कर रहा है। कौरव, मैं देखता हूँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अतः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों का विनाश प्रकट दिखाई देता है। सूर्य आदि का प्रकाश मंद पड़ गया है, भयंकर मृग और पक्षी सामने आ रहे हैं और क्षत्रियों के संहार की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के घोर उत्पात दिखाई देते हैं। राजा दुर्योधन, विशेषतः यही हमारे लिए विनाश सूचक अपशगुन हो रहे हैं। तुम्हारी सेना के ऊपर जलती हुई उल्काएं गिर गिर कर उसे पीड़ा देती है। तुम्हारे वाहन हाथी घोड़े अप्रसन्न तथा रोते से दिखते हैं। सेना के चारों ओर गिद्ध बैठ रहे हैं, इससे जान पड़ता है तुम अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से पीड़ित होते देख मन में संताप करोगे। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत सी हो रही है, कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता है। समस्त सैनिकों के मुख पर भारी उदासी छा गई है, सब हतोत्साह हो रहे हैं। अतः हम गौ को हस्तिनापुर की ओर भेजकर सेना की व्यूह रचना करके शत्रु पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाए। दुर्योधन के द्वारा युद्ध का निश्चय और कर्ण की युक्ति, विषमपान जी कहते हैं जन्मेजय। तदंतर राजा दुर्योधन ने समरभूमि में भीष्म रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्य, मैंने और कर्ण ने ये बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसी को दोहराता हूँ, क्योंकि उसे बार बार कह करके भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्ष तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से निवास करना पड़ेगा। अभी पांडवों का 13 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप में हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने के पहले ही अर्जुन आ गया है तो पांडव फिर 12 वर्ष तक वन में निवास करेंगे। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके हैं या हम लोगों में ही मोह प्रमाद आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, ये भीष्म जी जान सकते हैं। जिन विषय में दुविधा पड़ जाती है उसमें सदा संदेह बना रहता है। किसी विषय को अन्य प्रकार से सोचा जाता है किंतु पता लगने पर वो किसी और ही प्रकार का सिद्ध होता है। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते हुए यहाँ आए और मत्स्य देश सैनिकों के साथ ही युद्ध करना चाहते थे। ऐसी दशा में यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है तो हम किसका अपराध कर रहे हैं? मत्स्य निवासियों के साथ भी जो हम यहाँ युद्ध के लिए आए हैं वो अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, त्रिगर्त की सहायता के उद्देश्य से हमारा यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगर्त ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बहुत से अत्याचारों का वर्णन किया था। वे भय से बहुत दबे हुए थे, इसलिए हमने उनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। हमारी उनकी बात यह हुई थी कि वे लोग सप्तमी तिथि को अपराह काल में मत्स्य देश के दक्षिण गोष्ठ पर आक्रमण करके वहाँ का महान गोधन अपने अधिकार में कर लेंगे। ऐसे ही उन्होंने किया भी है। साथ ही यह भी तय हुआ था कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर गोष्ठ की इन गौ को हरण कर लें, क्योंकि
उस समय मत्सराज गो के पदचिन्ह का अनुसरण करते हुए त्रिगत के पीछे गए होंगे। वे त्रिगत सैनिक गो का यहाँ ले आएंगे, अथवा यदि परास्त हो गए तो हम लोगों से मिलकर पुनः मत्सराज के साथ युद्ध करेंगे, अथवा यदि मत्सराज त्रिगत को भगाकर अपने देश के लोगों और अपने सारी भयंकर सेनाओं के साथ इस रात में हम लोगों से युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहे होंगे, उन्हीं सेनाओं में से ये कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आया है, यह भी संभव है कि यह स्वयं मत्सराज ही हो। यदि यह मत्स्यों का राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही उसकी ओर से आया हो तो भी हम सब लोगों को उससे युद्ध करना ही है, यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है। फिर वे हमारे श्रेष्ठ रथी महारथी भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण, अश्वत्थामा आदि इन समय भ्रांतचित्त हो रथों में चुपचाप क्यों बैठे हैं? युद्ध के सिवा और किसी बात में कल्याण नहीं है, ये समझकर अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल बनना चाहिए। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र अथवा यमराज ही युद्ध में आकर हमसे गोदन छीन ले तो भी ऐसा कौन होगा जो उनका सामना करना छोड़कर हस्तिनापुर को लौट जाए? यदि कोई गहन वन में भागकर प्राण बचाना चाहे तो मेरे इन बाणों से वे छिन्न भिन्न कर दिए जाएंगे। इस तरह भागने वाले पैदल सैनिकों में कौन जीवित रह सकता है? घुड़सवार के विषय में संदेह है, वे भागने पर मारे भी जा सकते हैं अथवा बच भी सकते हैं। दुर्योधन की बात सुनकर राधानंदन कर्ण ने कहा, राजन, आप आचार्य द्रोण को पीछे रखकर ऐसी नीति बनाइए जो विजय प्राप्त हो। ये पांडवों का मत जानते हैं, इसलिए यहाँ हमें डरा रहे हैं, और अर्जुन के प्रति इनका प्रेम अधिक मैं देखता हूँ। तभी तो अर्जुन को आते देख ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी बातों से हतोत्साह होकर सेना में भगदड़ ना मच जाए, इसका ख्याल रखते हुए तदनुकूल नीति निर्धारित कीजिए। आगे रहने पर ये अर्जुन के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनते ही घबरा उठेंगे, फिर तो सारी सेना ही विचलित हो जाएंगी। इस समय हम विदेश में हैं, भारी जंगल में पड़े हुए हैं, गर्मी की ऋतु है और हम शत्रुओं के वश में आ गए हैं। अतः ऐसी नीति से काम ले कि इनकी बातें सुनकर सैनिकों के मन में भ्रम न फैले। आचार्य की सदा से ही पांडवों के प्रति अधिक प्रिय है, उन स्वार्थियों ने अपना काम बनाने के लिए द्रोणाचार्य को आपके पास रख छोड़ा है। ये स्वयं भी ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमारे कथन की पुष्टि होती है। भला घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर कौन किसी की प्रशंसा करने लग जाता है? घोड़े और अपने स्थान पर हो या यात्रा करते हो, वे सदा ही हिनहिनाते रहते हैं, इससे किसी की वीरता का क्या संबंध है? हवा सदा चला करती है, इंद्र हमेशा वर्षा करते हैं, मेघों की गर्जना बहुत बार सुनने को मिलती है, इससे डरने या अपशकुन मानने की क्या बात है? इसमें अर्जुन का क्या काम है? कौन सा चमत्कार है? इस बात को लेकर क्यों उसकी प्रशंसा की जाती है? इसका कारण इस बात के सिवा और क्या हो सकता है कि आचार्य के मन में अर्जुन का भला करने की इच्छा हो, एवं हमारी पति इनके हृदय में केवल द्वेष तथा रोष का भाव ही संचित हो। आचार्य लोग बड़े दयालु, बुद्धिमान और पाप तथा हिंसा के विरुद्ध विचार करने वाले होते हैं। जब कोई महान भय का अवसर प्राप्त हो उस समय इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं पूछनी चाहिए। पंडित लोग सुंदर महलों और मंदिरों में, सभाओं में और बगीचों में बैठकर जब विचित्र कथावार्ता सुन रहे हों तब वहीं उनकी शोभा होती है। जनसमुदाय में बहुत से आश्चर्यजनक विनोदपूर्ण कार्य करने तथा यज्ञ संबंधित आयुध पत्रों का यथास्थान है, रखने और प्रोक्षण आदि करने में ही पंडितों की शोभा होता है। तो यहाँ पे कर्ण द्रोणाचार्य का अपमान कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरे के छिद्र को जानने और देखने में, मनुष्य की दिनचर्या बताने में, हाथी घोड़े तथा रथ यात्रा करने का मुहूर्त आदि निकलने में, गरों, ऊँटों, बकरों और भेड़ों की गुण दोष समीक्षा एवं चिकित्सा आदि में, गोधन के संग्रह परीक्षण में, गोलियां और घर के श्रेष्ठ दरवाजे पर किए जाने वाले मांगलिक कृत्यों में, नवीन अन्न का दृष्टि द्वारा संस्कार कराने तथा अन्न में केश, कीट आदि गिर जाने से जो दोष आता है उन पर विचार करने में भी पंडितों की ही राय लेनी चाहिए। ऐसे ही कार्यों में उनकी शोभा होती है। शत्रु के गुणों का बखान करने वाले पंडितों को
पीछे करके ऐसी नीति काम में ले जिससे शत्रु का वध हो सके। गौ को बीच में खड़ी करके उनके चारों ओर सेना का व्यूह बना लिया जाए तथा सब ओर से रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे हम शत्रुओं के साथ युद्ध कर सकें। तो कर्ण को पता है कि ये अर्जुन ही है। अर्जुन तो दुर्योधन को भी पता चल ही गया है सबको। कर्ण की अत्यंत प्रशंसापूर्ण अहंकार उक्ति। कर्ण बोला, मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं त्रस्त सा देखता हूँ। आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लगा रहा है एवं सभी चंचल दिखाई देते हैं। यदि यह मत्स्य देश का राजा हो अथवा यदि स्वयं अर्जुन आया हो तो भी जैसे बेला समुद्र को रोक देती है उसी प्रकार मैं भी आगे बढ़ने से उसे रोक दूंगा। मेरे धनुष से छूटकर सर्पों की भांति आगे बढ़ने वाले और झुकी हुई गार्ड वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। सुनहरी पंख और तीखी नोक वाले बाण मेरे हाथों से छूटकर अर्जुन को ठीक उसी तरह ढक लेंगे जैसे चींटियां पेड़ को आच्छादित कर देती है। पंख वाले बाणों को धनुष की प्रशंसा पर चढ़ाकर भली भांति खींचने के पश्चात मेरी दोनों हथेलियों का ऐसा शब्द होता है जैसे दो नगाड़े पीट गए हों। आज वो शब्द आप लोग सुने। अर्जुन 13 वर्ष तक वन में समाधि लगाता रहा है किंतु उसका इस युद्ध में स्नेह है, अतः मुझ पर वो बाणों का प्रहार करेगा। कुंती नंदन धनंजय गुणवान ब्राह्मण की भांति मेरे लिए एक सुपात्र व्यक्ति है, अतः आज वो मेरे छोड़े हुए सहस्त्र बाण समुदाय का दान स्वीकार करें। ये तीनों लोकों में महान धनुधर के रूप में विख्यात हैं और मैं भी नरश्रेष्ठ अर्जुन से किसी बात में कम नहीं हूँ। इधर उधर दोनों ओर से छूटे हुए गीत की पंखों से युक्त सुवर्णमय बाणों द्वारा आच्छादित हो आज आकाश जुगनियों से भरा हुआ सा दिखाई देगा। मैं आज युद्ध में अर्जुन को मारकर पहले की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। तो ये कौन सी प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है। अर्जुन कर्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा ना जाए तब तक मैं लोगों को दान करूंगा, कोई कुछ मुझसे मांगे मैं किसी भी तरह ना नहीं करूंगा। उसी प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं कर्ण। आज बीच से कट कर इधर उधर बिखर जाने वाले पंख युक्त बाणों का आकाश में फतिंगों की भांति उड़ना और गिरना देखो। यद्यपि अर्जुन महेंद्र के समान तेजस्वी है तो भी आज उसे उल्काओं मशालों द्वारा गजराज की भांति इंद्र के वज्र की तरह कठोर स्पर्श वाले अपने बाणों से पेट कर दूंगा। जो रथियों से भी भयंकर अतिरथी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और सुरवीर हैं उसी कुंती पुत्र को आज मैं युद्ध में विवश करके उसी प्रकार दबोच लूंगा जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। अच्छा, जो अग्नि की भांति दुर्धर्ष है, खड़क शक्ति और बाण रूपी ईंधन से प्रज्वलित है और अपने शत्रु को भस्म कर रही हैं, उस अर्जुन रूपी जलती हुई आग को आज मैं महामेघ बनकर बुझा दूंगा। मेरे अश्व का वेग ही पूर्वया हवा का काम करेगा, रथ समूह की गड़गड़ाहट ही बादलों की गंभीर गर्जना होगी और बाणों की धारा ही जलधारा का काम करेगी। आज मेरे धनुष से छूटे हुए सर्पों के विशाल विषैले बाण अर्जुन के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करेंगे जैसे सांप बाबी में घुसते हैं। कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत की जैसी शोभा होती है उसी प्रकार मेरे तेज सुनहरे पंख वाले उज्जवल और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कुंटीपुत्र अर्जुन को आच्छादित हुआ देखो। मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से मैंने जो अस्त्र प्राप्त किए हैं उन अस्त्रों और अपने पराक्रम का आश्रय लेकर मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित होने वाला बानर जो भयंकर गर्जना किया करता है, मतलब आप समझ ही गए होंगे कौन सा बानर, वो आज ही मेरे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाए। वाह। तो दोस्तों, इस बात के बाद पता चल रहा है कि कर्ण कितना बड़ा डिंगा मारा करता था, बड़ी बड़ी बात करता था। उस बानर को भी वो मार देगा ऐसा कह रहा है। शत्रु की ध्वजा में निवास करने वाला भूतगण भी मुझसे मारे जाकर सब चारों दिशाओं में भागने लगेंगे। तो ये तो विराट युद्ध में पता चलेगा दोस्तों, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। उस समय उसके हाहाकार का शब्द स्वर्गलोक तक पहुंच जाएगा। अर्जुन को रथ से गिराकर आज मैं दुर्योधन के हृदय में चिरकाल से चुभे हुए कांटे को जड़ सहित निकाल फेंकूंगा। पुरुषार्थ साधन में लगे हुए अर्जुन के घोड़े मार दिए जाएंगे और वो रथहीन होकर केवल सांप की भांति फुफकार मारता फिरेगा। कौरव लोग आज उसकी यह अवस्था भी देखें।
कौरव की इच्छा हो तो मैं केवल गोधन लेकर यहाँ से चले जाएं अथवा अपने रथ पर बैठकर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध देखें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कृपाचार्य का कर्ण को फटकारते हुए युद्ध के विषय में अपना विचार बताना। तदंतर कृपाचार्य ने कहा, राधानंदन, युद्ध के विषय में तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रहता है। अच्छा, यहाँ पे कृपाचार्य के बारे में मैं कुछ कह दूँ। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कृपाचार्य के बारे में कहा है, उनके जन्म के बारे में, उनको मैं शॉर्ट में बता दूँ। कृपाचार्य चिरंजीवी हैं। वो जन्म से ही अतुलित प्रतिभा और क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, ठीक है। वो अकेले 60,000 योद्धाओं से लड़ सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। तो चलिए आप कृपाचार्य के राज जान लेते हैं। वो कहते हैं, तुम ना तो कार्य के स्वरूप को ही जानते हो और ना उनके परिणाम का ही विचार करते हो। ये कर्ण से कह रहे हैं, मैंने शास्त्रों का आश्रय लेकर बहुत सी माया का चिंतन किया है, किंतु उन सब में युद्ध ही सर्वाधिक पापपूर्ण कर्म है, ऐसा प्राचीन विद्वान बताते हैं। देश और काल के अनुसार जो युद्ध किया जाता है वो विजय देने वाला होता है, किंतु जो अनुपयुक्त काल में किया जाता है वो युद्ध सफल नहीं होता। देश और काल के अनुसार किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी होता है। देश और काल की अनुकूलता होने से ही कार्य का फल सिद्ध होता है। विद्वान पुरुष रथ बनाने वाले सूत की बात पर ही सारा भार डालकर स्वयं देश काल का विचार कर या किए बिना युद्ध आदि का निश्चय नहीं करते। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि अर्जुन के साथ युद्ध करना हमारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे अकेले ही हमें परास्त कर सकते हैं। अर्जुन ने अकेले ही उत्तर कुरु देश पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। अकेले ही खांडव वन देकर अग्नि को तृप्त किया। उन्होंने अकेले ही 5 वर्षों तक कठोर तप करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अकेले ही सुभद्रा को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण किया और द्वंद्व युद्ध के लिए कृष्ण को भी ललकारा। यहाँ पे ऐसा कहने का अभिप्राय मीनिंग क्या है वो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए स्टार मार्क में, या पढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने अकेले ही किरात रूप में सामने आए हुए भगवान शंकर से युद्ध किया। इसी वनवास की घटना है, जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था उस समय भी अर्जुन ने अकेले ही उसे हराकर द्रौपदी को उसके हाथ से छुड़ाया था। उन्होंने अकेले ही 5 वर्षों तक स्वर्ग में रहकर साक्षात इंद्र से अस्त्र शस्त्र सीखे हैं और अकेले ही सब शत्रुओं को जीतकर कुरुवंश का यश बढ़ाया है। शत्रु का दमन करने वाले महावीर अर्जुन ने कौरवों की घोष यात्रा के समय युद्ध में गंधर्वों की दुर्जय सेना का वेगपूर्वक सामना करते हुए अकेले ही गंधर्वराज चित्रसेन पर विजय पाई थी। तो उस समय कर्ण भाग गए थे, वो वीडियो अभी आप देख सकते हैं। निवातक कवच और कालखंग आदि दानव गण तो देवताओं के लिए भी अबद्ध थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही उन सबको युद्ध में मार गिरा है। किंतु कर्ण, तुम तो बताओ, तुमने पहले कभी अकेले रहकर इस जगत में कौन सा पुरुषार्थ किया है? पांडवों में से तो एक एक ने विभिन्न दिशाओं में जाकर वहाँ के भूमिपालों को अपने वश में कर लिया था, क्या तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया है? अर्जुन के साथ तो इंद्र भी रणभूमि में खड़े होकर युद्ध नहीं कर सकते, फिर जो उनसे अकेले भिड़ने की बात करता है वो पागल है, उसकी दवा करानी चाहिए। सूत पुत्र, अर्जुन के साथ अकेले भिड़ने का साहस करके तुम मानो क्रोध में भरे हुए विषधर सर्पों के मुख में अपना दाहिना हाथ उठाकर डालना और तर्जनी उंगली से उसके दांत उखाड़ना चाहते हो, अथवा वन में अकेले घूमते हुए तुम बिना अंकुश के ही मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर नगर में जाना चाहते हो, अथवा अपने शरीर में घी पोतकर चिथड़े और वत्कल पहने हुए तुम घी मैदा आदि चर्बी आदि की आहुतियों से प्रज्वलित आग के भीतर होकर निकलना चाहते हो, अपने आप को बंधन से जकड़कर और गले में भारी शिला बांधकर कौन दोनों हाथों से तैरता हुआ समुद्र को पार कर सकता है? उसमें क्या पुरुषार्थ है अर्थात मूर्खता है? कर्ण, जिसने अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा ना पाई हो वो अत्यंत दुर्बल पुरुष यदि अस्त्र शस्त्रों की कला में प्रवीण तथा कुंती पुत्र अर्जुन जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहे तो समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि मारी गई है। तो दोस्तों, कृपाचार्य भी कर्ण के गुरु थे। उन्होंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुराम तीनों से शिक्षा की है। कृपाचार्य जानते हैं कर्ण कैसा शिष्य है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। तो आप सूर्यदेव जब कर्ण को कवच कुंडल दान ना देने के लिए कहते हैं
वो वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद वाला वीडियो भी देखिएगा, उसमें कर्ण ने कहा है वो किसके शिष्य रहे हैं। तुम लोगों ने 13वें वर्ष तक इन्हें वन में रख कर इनके साथ कपटपूर्ण वर्ताव किया है। तो जिन्होंने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है उनके लिए मैंने ये बता दिया है, ठीक है। अब ये प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त हो गए हैं, अतः बंधन से छुटे हुए सिंह की भांति क्या ये हमारा नाश न कर डालेंगे? कुएं में छिपी हुई अग्नि के समान यहाँ एकांत में स्थित कुंती पुत्र अर्जुन के पास हम अज्ञानवशा पहुँचे हैं और भारी भय और संकट में पड़ गए हैं। इसलिए हमारा विचार है कि हम लोग एक साथ संगठित होकर यहाँ आए हुए रणोत्पन्न अर्जुन के साथ युद्ध करें। हमारे सैनिक कवच बांधकर खड़े रहें। तो दोस्तों कृपाचार्य अमर हैं, जितने भी अमर पुरुष थे उनमें से कृपाचार्य का नाम भी आता है और अश्वत्थामा का भी, वो ऐसा कह रहे हैं। सेना का व्यूह बना लिया जाए और सब लोग प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाए। कर्ण, तुम अकेले अर्जुन से भिड़ने का दुस्साहस ना करो। आचार्य, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और सब मिलकर अर्जुन से युद्ध करेंगे। यदि हम छह महारथी संगठित होकर सामना करें तभी इंद्र के सदृश दुर्धर्ष और दृढ़ निश्चयी कुंती पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हैं। सेनाओं की व्यूह रचना हो जाए और हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर सावधान रहें, तो जैसे दानव इंद्र से भिड़ते हैं उसी प्रकार हम युद्ध में अर्जुन का सामना कर सकते हैं। उसके बाद अश्वत्थामा का उद्गार। अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण, अभी तो हमने ना गोह को जीता है ना मत्स्य देश की सीमा के बाहर जा सके हैं और ना हस्तिनापुर में ही पहुंच गए हैं। तो दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में तो पता ही है, वो महारथी हैं और वो भी चिरंजीवी हैं, अमर हैं। फिर तुम इतनी व्यर्थ बकवाद क्यों कर रहे हो? ऐसा कर्ण से कह रहे हैं। विद्वान पुरुष बहुत सी लड़ाइयाँ जीतकर असंख्य धनराशि पाकर तथा शत्रु की सेना को परास्त करके भी इस तरह व्यर्थ बकवाद नहीं करते। आग बिना कुछ कहे सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती है। सूर्यदेव मीन रह करके भी प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी चुप रह करके ही संपूर्ण चराचर लोकों को धारण करती है। इनमें से कोई अपने पराक्रम की प्रशंसा नहीं करता। ब्रह्मा जी ने चारों वर्ण के कर्म नियत कर दिए हैं, जिनसे धन भी मिल सकता है और जिनका अनुष्ठान करने से कर्ता दोष का भोग नहीं होता। ब्राह्मण वेदों को पढ़कर यज्ञ कराए अथवा करें, क्षत्रिय धनुष का आश्रय लेकर धन कमाए और यज्ञ करें, परंतु वो दूसरे का यज्ञ ना कराए क्योंकि ये काम ब्राह्मणों का है। वैश्य कृषि और व्यापार आदि के द्वारा धनोत्पार्जन करके ब्राह्मणों के द्वारा वेदक्त कर्म कराए और शूद्र वेतसी वित्ती वेद के वृक्ष की भांति नम्रता का आश्रय ले, प्रणाम और आज्ञा पालन आदि के द्वारा सदा तीनों वर्णों के पास रहकर उनकी सेवा करें। महान सौभाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करते हुए नए से इस पृथ्वी को प्राप्त करके भी अत्यंत गुणहीन गुरुजनों का भी सत्कार करते हैं। ये राज्य लेकर गुणवान गुरुजनों का भी तिरस्कार हो रहा है। भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है? परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इसी में संतोष है क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है। जैसे व्याध सट्टा और छल कपट से भरे हुए उपायों द्वारा जीवन निर्वाह करता है, उसी प्रकार कपटपूर्ण वृत्ति से धन पाकर कौन बुद्धिमान पुरुष अपने ही मुंह अपनी बड़ाई करेगा? राजा दुर्योधन, तुमने जिस पांडवों का धन कपट युद्ध के में हरा लिया है उनमें से धनंजय, नकुल या सहदेव किसको कब युद्ध में हराया है? वो कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ था जिसमें तुमने अर्जुन आदि में से किसी को जीता हो? धर्मराज युधिष्ठिर अथवा बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तुम्हारे द्वारा किस युद्ध में परास्त किए गए हैं? आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है उसे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था? दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें तुम द्रौपदी को जीत लिए हो? तुम लोग तो अकारण ही एक वस्त्र धारण करने वाली बेचारी द्रौपदी को राजस्वलावस्था में राजसभा के भीतर घसीट लाए थे। सूतपुत्र, जैसे धन की इच्छा रखने वाला मनुष्य चंदन की लकड़ी काटता है उसी प्रकार तुमने और दुर्योधन ने कपट दूत और द्रौपदी के अपमान द्वारा इन पांडवों का मूलच्छेद किया। जिस समय तुम लोगों ने पांडवों को कर्मकार दास बनाया था उस दिन वहाँ महात्मा विदुर ने क्या कहा था? उन्होंने जुए को कुरुकुल के संहार का कारण बताया था, याद है ना? हम देखते हैं मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु अथवा कीड़े मकोड़े आदि ही क्यों ना हो, सब में अपने अपनी शक्ति के अनुसार सहनशीलता की एक सीमा होती है। द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उन्हें पांडव पुत्र अर्जुन कभी क्षमा नहीं कर सकते।
क्योंकि ये सीमा के बाहर है, ऐसा कह रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र का संहार करने के लिए ही धनंजय प्रकट हुए हैं, और एक तुम हो जो यहाँ पंडित बनकर बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो, बनाना चाहते हो। क्या बैर का बदला चुकाने वाले अर्जुन हम लोगों का संहार नहीं कर डालेंगे? ये कभी संभव नहीं है कि कुंती नंदन अर्जुन भय के कारण देवता, गंधर्व, असुर और राक्षसों से भी युद्ध ना करें। जैसे गरुड़ जिस जिस वृक्ष पर पैर रखते हैं अपने वेग से उसे गिराकर चले जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अत्यंत क्रोध में भरकर संग्राम भूमि में जिस जिस महारथी पर आक्रमण करेंगे उसे नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। कर्ण, अर्जुन पराक्रम में तुमसे बहुत बड़े चढ़े हैं, धनुष चलाने में तो वे देवराज इंद्र के तुल्य हैं, और युद्ध की कला में साक्षात वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान हैं। ऐसे कुंती पुत्र की कौन प्रशंसा नहीं करेगा जो देवताओं के साथ देवोचित ढंग से और मनुष्य के साथ मानवोचित प्रणाली से युद्ध करते हैं और प्रत्येक अस्त्रों को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा नष्ट कर सकते हैं। उन कुंती नंदन धनंजय की समानता करने वाला कौन पुरुष है? धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरु को पुत्र के बाद शिष्य ही प्रिय होता है। इस कारण से भी पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण के प्रिय हैं, अतः वे उनकी प्रशंसा क्यों ना करें। दुर्योधन, जैसे तुम लोगों ने जुए का खेल किया, जिस तरह इंद्रप्रस्थ के राज्य का अपहरण किया और जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी को घसीट ले आए, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन से भी युद्ध करो। जब इन अन्यायों के समय तुम्हें हमारी सहयोग की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, तब इस युद्ध में भी सहयोग की आशा ना रखो। ये तुम्हारे मामा शकुनी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म के महापंडित हैं। छलपूर्वक जुआ खेलने वाले ये गांधार देश के नरेश शकुनी ही यहाँ युद्ध करें। गांधी धनुष कृतयुग द्वापर और त्रेता नामक पासे नहीं फेंकते हैं, वो तो लगातार तीखे और प्रज्वलित बाणों की वर्षा करता है। गांडीव से छुते हुए गिद्ध के पंख वाले तीखे और बाण पर्वत को वितीर्ण करने वाला है, वे शत्रु की छाती में घुसे बिना नहीं रहते। यमराज वायु, मृत्यु और बड़वा नल ये चाहे जड़मूल से नष्ट ना करें, कुछ बाकी छोड़ दे, परंतु अर्जुन कुपित होने पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। राजन, जैसे राज्यसभा में तुमने मामा के साथ जुए का खेल किया है, उसी प्रकार इस संग्राम भूमि में भी तुम उन्हीं मामा के शकुनी के साथ सुरक्षित होकर युद्ध करो। तो मतलब अश्वत्थामा शायद डर गया है, क्योंकि अश्वत्थामा अर्जुन दोनों ने एक ही साथ शिक्षा ग्रहण की थी और अश्वत्थामा को सब पता है। अथवा अन्य योद्धाओं की इच्छा हो तो वे युद्ध कर सकते हैं, किंतु मैं अर्जुन के साथ नहीं लड़ूंगा। हमें तो मत्स्य नरेश से युद्ध करना है, यदि वे इस गोष्ट पर आ जाए तो मैं उनसे उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ, किंतु अर्जुन के साथ नहीं है, ऐसा मतलब है। भीष्म जी के द्वारा सेना में शांति और एकता बनाए रखने की चेष्टा और द्रोणाचार्य के द्वारा दुर्योधन की रक्षा के लिए प्रयत्न। भीष्म जी बोले, दुर्योधन, अश्वत्थामा ठीक विचार कर रहे हैं, कृपाचार्य की दृष्टि भी ठीक है, कर्ण तो केवल क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहता है। विज्ञ पुरुषों को अपने आचार्य की निंदा या तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। मेरा भी विचार यही है कि देश काल का विचार करके ही युद्ध करना उचित है। जिसके सूर्य के समान तेजस्वी और प्रहार करने में समर्थ 5 शत्रु हों और उन शत्रु का अद्भुदय हो रहा हो, तो उस दशा में विद्वान पुरुष को भी कैसे मोह ना हो। स्वार्थ के विषय में सोचते समय कभी मनुष्य धर्मज्ञ पुरुष की भी मोह में पड़ जाते हैं। अतः राजन, यदि तुम्हें जचे तो मैं इस विषय में अपनी सलाह भी देता हूँ। कर्ण ने तुमसे जो कुछ कहा है वो तेज और उत्साह को बढ़ाने के लिए ही कहा है। आचार्य पुत्र, क्षमा करें, इस समय महान कार्य उपस्थित है। तो भीष्म जी कर्ण को ठीक ही कह रहे हैं, यह समय आपके विरोध का नहीं है, विशेषतः ऐसे मौके पर जबकि कुंती नंदन अर्जुन युद्ध के लिए उपस्थित हैं। पूजनीय आचार्य द्रोण और कृपाचार्य को सब अपराध क्षमा करना चाहिए। जैसे सूर्य में प्रभाव और चंद्रमा में लक्ष्मी शोभा सर्वथा विद्यमान रहती है, कभी कम नहीं होती, उसी प्रकार आप लोगों का अस्त्र विद्या में जो पांडित्य है वो अशून्य है। इस प्रकार आप लोगों में ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मास्त्र दोनों ही प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि आप एक व्यक्ति में चारों वेदों का ज्ञान देखा जाता है तो दूसरे में शास्त्र धर्म का, ये दोनों बातें पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति में हमने नहीं सुनी है। केवल भरतवंशियों में आचार्य कृप द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा में ही ये दोनों शक्तियाँ ब्रह्म बल और छात्र बल है। इनके सिवा और कहीं उक्त दोनों बातों का एकत्र समावेश नहीं है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। राजन, वेदांत पुराण और प्राचीन इतिहास
के ज्ञान में जमनाग्नि नंदन परशुराम के सिवा दूसरा कौन पुरुष द्रोणाचार्य से बढ़कर हो सकता है। ब्रह्मास्त्र और वेद ये दोनों वस्तुएं हमारे आचार्य के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। आचार्य पुत्र क्षमा करें, यह समय आपस में फूट पैदा करने का नहीं है। हम सब लोग मिलकर यहाँ आए हुए अर्जुन से युद्ध करेंगे। मनीषी पुरुषों ने सेना का विनाश करने वाले जितने संकट बताए हैं उनमें आपस की फूट सबसे प्रधान कहा है। विद्वानों ने इस फूट को महान पाप माना है। अश्वत्थामा ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, हमारी न्यायोचित बात की निंदा नहीं की जानी चाहिए। आचार्य द्रोण ने पांडवों पर हुए पहले के अन्यायों का स्मरण करते हैं रोषपूर्वक अर्जुन के गुणों का वहाँ दर्शन किया है, भेद उत्पन्न करने के लिए नहीं। शत्रुओं को भी गुण ग्रहण करने चाहिए और गुरु के भी दोष बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। गुरु को सब प्रकार से पूर्ण प्रयत्न करके पुत्र और शिष्यों के लिए जो हितकर हो वही बात करनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा, आचार्य क्षमा करें, अब शांति धारण करनी चाहिए। यदि गुरु के मन में भेद ना हो तभी यह समझा जाएगा कि पहले जो बातें कही गई है उनमें रोष ही कारण था। विष्णुबन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंत दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म और महात्मा कृपाचार्य के साथ आचार्य द्रोण से क्षमा मांगी। तब द्रोण बोले, शांतनु नंदन, भीष्म जी ने पहले जो बात कही थी उसी से मैं प्रसन्न हूँ। अब ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे अर्जुन इस युद्ध में दुर्योधन के पास तक ना पहुँच सके। साहस से अथवा प्रमादवश भी दुर्योधन पर उनका आक्रमण ना हो ऐसी नीति निर्धारण करनी चाहिए। वनवास की अवधि पूर्ण हुए बिना अर्जुन अपने को प्रकट नहीं कर सकते। आज यदि वे यहाँ आकर अपना गोधन ना पा सके तो हमको क्षमा नहीं कर सकते। ऐसी दशा में जैसे भी संभव हो वे धृतराष्ट्र पुत्र पर आक्रमण ना कर सके और किसी प्रकार भी कौरव सेना को परास्त ना करने पाए ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। दुर्योधन ने भी पहले ऐसी बात कही थी जो पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में संदेह है। अतः गंगानंदन भीष्म, आप स्वयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है, उनका साक्षात वास पूर्ण हो गया या नहीं, इसका निर्णय करें। भीष्म पितामह की सम्मति। भीष्म जी ने कहा, कला, काष्ट, मूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, गृह, ऋतु और सलमसर ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह काल के इन छोटे छोटे विभागों द्वारा ये संपूर्ण काल चक्र चल रहा है। इस पक्ष मास आदि के समय बढ़ने घटने से और गृह नक्षत्र की गति के व्यक्तिक्रम से हर पाँचवें वर्ष में 2 महीने आदि मास के बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं, ऐसा मेरा विचार है। मतलब अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। इन पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञा की थी उन सबका यथावत पालन किया है। अवश्य इन बात की अच्छी तरह जानकर ही अर्जुन यहाँ आए हैं। सभी पांडव महात्मा हैं और सभी धर्म और अर्थ के ज्ञाता है। जिनके नेता राजा युधिष्ठिर हैं वे धर्म के विषय में कैसे कोई अपराध कर सकते हैं। कुंती के पुत्र लोभी नहीं हैं, उन्होंने तपस्या आदि कठिन कर्म किए हैं। वे अधर्म या अनुचित उपाय से धर्म को गवाकर केवल राज्य के लिए इच्छुक नहीं हैं। कुरुकुल को आनंद देने वाले पांडव उसी समय पराक्रम करने में समर्थ थे किंतु वे धर्म के बंधन में बंधे थे। इसीलिए क्षत्रिय व्रत से विचलित नहीं हुए। यदि कोई अर्जुन को असत्यवादी कहेगा तो वो पराजय को प्राप्त होगा। कुंती के पुत्र मौत को गले लगा सकते हैं किंतु किसी प्रकार असत्य का आश्रय नहीं ले सकते। नरश्रेष्ठ पांडव समय आने पर अपने पाने योग्य भाग का हक भी नहीं छोड़ सकते। भले ही वज्रधारी इंद्र उस वस्तु की रक्षा करते हों, पांडव का ऐसा ही पराक्रम है। उस समय रणभूमि में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन के साथ युद्ध हमें करना है। इसीलिए जगत में साधु पुरुष द्वारा आचरित जो कल्याणकारी उपाय है उसे शीघ्र करना चाहिए जिससे तुम्हारा ये गोधन शत्रु के हाथ में ना जाए। कुरुनंदन राजेंद्र, मैं युद्ध में कभी ऐसा नहीं देखता कि किसी एक पक्ष की ही सफलता अनिवार्य हो। लो अर्जुन आ पहुँचे हैं। संग्राम छिड़ जाने पर किसी न किसी पक्ष को लाभ या हानि, जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होता है, वो सदा देखा गया है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। अतः राजेंद्र तुम यथोचित कर्तव्य का पालन करो अथवा धर्म के अनुसार कार्य करो। बिना युद्ध के ही राज्य देकर संधि कर लो। जो कुछ करना चाहते हो जल्दी करो। अर्जुन अब सिर पर आ पहुँचे हैं। कुंती पुत्र अर्जुन अकेला ही समरभूमि में समूची पृथ्वी को भी दग्ध कर सकते हैं। फिर वो अपने संपूर्ण वीर बंधुओं के साथ मिलकर केवल कौरवों को रणभूमि में नष्ट कर दे, ये कौन सी बड़ी बात है। अतः कुरुश्रेष्ठ, यदि आप ठीक समझे तो पांडवों के साथ संधि कर लें। दुर्योधन ने कहा, किंतु पितामह, मैं पांडवों को राज्य तो दूंगा नहीं,
युद्ध में उपयोग जो भी कार्य हो उसे ही शीघ्र पूरा किया जाए। भीष्म ने कहा, कुरुनंदन, यदि तुम्हें ऊँचे और यदि तुम्हें जाचे तो इस विषय में मेरी जो सलाह है उसे सुनो। मैं सर्वथा कल्याण की ही बात कहूँगा। तुम सेना का एक चौथाई भाग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर चल दो तथा दूसरी एक चौथाई टुकड़ी गो के साथ लेकर जाए। हम लोग आदि सेना साथ लेकर पांडुनंदन अर्जुन का सामना करेंगे। मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य युद्ध का निश्चय करके आए हुए अर्जुन के साथ लड़ेंगे। फिर तो चाहे मत्स्य नरेश आ जाए या साक्षात इंद्र, जैसे बेल समुद्र को रोक देती है उसी प्रकार मैं उन्हें आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मतलब हम लोग सब मिलके। भीष्म पंजी कहते हैं, जन्मजय, महात्मा भीष्म की कही हुई ये बात सबको पसंद आ गई। फिर कौरवों ने राजा दुर्योधन से वैसा ही किया। पहले राजा दुर्योधन को और उसके बाद गोधन को भेजकर सेनापति को व्यवस्थित करके भीष्म जी ने सेना का व्यूह बनाने की तैयारी की। भीष्म जी बोले, आचार्य, आप बीच में खड़े हो, अश्वत्थामा वाम भाग की रक्षा करें, सरदान के पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य सेना की दक्षिण भाग की रक्षा करें, सूतपुत्र कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे रहें और मैं पृष्ठभाग की रक्षा करता हुआ संपूर्ण सेना के पीछे स्थित रहूँगा। तो उस समय योद्धा जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो कवच, तलवार ये सब लेके जाते थे। ये वो कवच नहीं है, कवच तो कर्ण पहले ही दान कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जो भी मुझसे मांगेगा मैं उन्हें ना नहीं करूँगा। तभी महारथी महाराज धनुर्धर और महाबली शूरवीर योद्धा यहाँ आए हुए पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के साथ रणभूमि में यत्नपूर्वक युद्ध करें। भीष्म पंडित जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने समस्त सेनाओं का दुर्भेद व्यूह रचकर उसे वज्रगर्म, बिहिमुख और अर्धचंद्राकार मंडल आदि के रूप में खड़ा किया और उसके पिछले भाग में भीष्म जी भी सुवर्णमय तालध्वज फहराकर हाथ में हथियार लिए खड़े हो गए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की चैप्टर, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। विराट युद्ध शुरू हो गया है, अर्जुन का दुर्योधन की सेना पर आक्रमण और गो को लौटा लेना, ठीक है।